सड़क पर झूल रहे बिजली के तारों से किसान की फसल में लगी आग। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कुशलपुरा में झूलते हुए तारों से किसान की गेहूं से भरी ट्राली में लगी आग, फसल चलकर हुए नष्ट। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने घरों से पानी लाकर आग पर पाया काबू। फायर ब्रिगेड को सूचित करने के आधा घंटा बाद पहुंची फायर ब्रिगेड, तब तक किसान की पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे राजमल वर्मा निवासी नीलबट अपने खेत से गेहूं की फसल काटकर ट्राली के माध्यम से घर ला रहा था। इसी दौरान मेन सड़क पर झूल रहे बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी उसकी ट्राली में आग लग गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में इसी तरह बिजली के तार नीचे झूल रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने सैकड़ों बार बिजली कंपनी के आला अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या की ओर कोई भी बिजली विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हर साल यहाँ जब किसान ट्रॉली में भरकर कुछ लाता है तो नीचे झूल रहे तारों से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ट्राली में आग लग जाती है, जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है। वहीं पिछले दिनों इछावर के दौलतपुर में अज्ञात कारणों के चलते भी रात 1 बजे के लगभग एक टापरी में आग लग गई थी। आदर्श न्यूज के लिए जलील खान की रिपोर्ट। हम शासन से चाहते हैं कि वो आम किसान को उनका मुआवजा प्रोवाइड कराए, उन्हें मुआवजा दिलवाए, क्योंकि उनकी सारी साल भर की मेहनत जो उनका पानी फिर रहा है, आप देख रहे हैं उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है और अभी बिजली विभाग वाले कहीं पे यहाँ पहुँच नहीं रहे। और मेन रास्ते पे जो लाइट है, देखिएगा आप, मेन रास्ते पे लाइट झूल रही है, ट्रायलियाँ निकलती है। अभी यहाँ पे देखना, आप, मैं बता रहा हूँ, पीछे ट्रायलियों की लाइन लगी हुई है जहाँ पे ट्रायली आ रही है। सरपंच साहब, ये जो कुशलपुरा में आगजनी का मामला है, लाइट से बिजली विभाग के चलते कारण ये जो आग लगी है ट्रैक्टर ट्रायली में, और ये गेहूँ का जो नुकसान हुआ है, इसमें किसकी जिम्मेदारी रहेगी? देखो, ये बिजली विभाग की जवाबदारी है और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये नुकसान हुआ है। और आगे भी गांव में बहुत सारी जगह पे तार खुले हुए हैं, नीचे हैं तार खेतों में, और भी बड़ी घटना हो सकती है। और बिजली विभाग को बार बार गांव वालों ने अवगत कराया, हमने भी अवगत कराया। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।